हम अपने अनुभवों को अभिव्यक्त तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शब्द भंडार हो। वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज, आवर पॉइंट्स व्हेन वी हैव सफिशिएंट वर्ड्स इन आवर ओन डिक्शनरी, इन आवर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी शब्द भंडार। सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी मस्ट नो इनफ वर्ड्स इन इंग्लिश एंड वी मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू यूज दैम। दिस आर्टिकल, दिस स्टोरी, द पोएम, द बुक्स दैट यू स्टडी इन इंग्लिश, दे टेल यू द वर्ड्स एज वेल एज द यूजेस। बट लेट अस आइडेंटिफाई सम ऑफ दैम। हम कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे सीखें विशेष रूप से जो हमें बार बार काम आते हैं, विच आर ऑफ यूज टू अस इन आवर डे टू डे लाइफ मोर ऑफन देन अदर वर्ड्स। सो लेट अस फोकस ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन सम ऑफ दीज वर्ड्स एंड दैट बिकम्स द लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ऑल दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट पैराग्राफ्स ऑफ द स्टोरी। जो कहानी के जो अलग अलग पैराग्राफ हैं वहाँ से शब्द लिए गए हैं। अच्छा होगा यदि आप कोशिश करें ये जान देखने की कि ये शब्द पैराग्राफ में कहाँ लिखा हुआ है। दैट एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन कीपिंग दीज वर्ड्स इन माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स बेटर। यदि ऐसा करोगे तो ये शब्द आपके दिमाग में बेहतर रहेंगे और साथ ही बेहतर समझ भी होगी इन शब्दों के उपयोग को लेकर। शब्द स्वयं में पर्याप्त नहीं है, शब्दों का उपयोग बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट का बैट आपको मैं दे दूं तो ये स्वयं में आपको बैट्समैन नहीं बना देता, उसका उपयोग जानना चाहिए तब जाके आप क्रिकेटर या बैट्समैन बनते हैं। तो उसी प्रकार वी कम टू दीज वर्ड्स नाउ and the uses thereof and add a few words in our vocabulary. Let us start with the first word. The first word is wrinkle, wrinkle. wrinkle means झुर्रियाँ, चेहरे में जो उम्र के साथ जो झुर्रियाँ हो जाती हैं, खासकर चेहरे में, हाथों में भी होती है लेकिन चेहरों में जो वृद्धावस्था में जो झुर्रियाँ हो जाती हैं उसे रिंकल्ड कहते हैं। द माई ग्रैंड मदर हैड रिंकल्स ऑल क्रिस क्रॉस्ड, यहाँ से वहाँ, एक छोर से दूसरे छोर तक उनके चेहरे में झुर्रियाँ थीं। हु सेज दैट? द ग्रैंड सन। सो रिंकल मने झुर्रियाँ, राइट? And twinkle माने twinkle, 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 twinkle little star, how I wonder what you are। तारों का टिमटिमाना twinkle कहलाता है, किसी चीज़ का टिमटिमाना twinkle। So wrinkle means झुर्रियाँ and twinkle means टिमटिमाना, right? And the sentence is there in the book, as I said, my grandmother had too many wrinkles. Your face is full of wrinkles. The second word is portrait. Portrait is the title of the story also. Portrait मतलब चित्रण। अब ये चित्रण जो है वो सामान्यतः portrait जो होता है वो painting का होता है, चित्र का होता है, लेकिन शब्दों के, कहानी के माध्यम से भी हम इसको portrait कर सकते हैं, चित्रण कर सकते हैं। और आप कहानी जब पढ़ेंगे, आपने जो कहानी पढ़ी है, यू हैव रेड द स्टोरी लुक्स टू बी वेरी वेल पोर्ट्रेड, बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है इसमें महिला का, वृद्ध महिला का, और महिला और ग्रैंडसन के बीच के संबंधों का बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है। सो पोर्ट्रेट मीन्स चित्रण, चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो, पोर्ट्रेट। द थर्ड वर्ड इज प्रेटी, पी आर ई डबल टी वाई। प्रेटी का मतलब होता है आकर्षक। माई ग्रैंड मदर
was pretty, people say. I don't know whether she was pretty or not, but she was beautiful. आकर्षक थी कि नहीं मैं नहीं जानता. लोग कहते हैं कि मेरी माँ, मेरी ग्रैंड मदर अपने ज़माने में आकर्षक थी और सुंदर थी. आकर्षक थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन सुंदर तो थी. Who says that? The grandson. Grandson says, I don't know, people say that she was pretty, but I don't know whether she was pretty or not, but she was certainly beautiful. Next is, the word is ridiculous. R-E-D-I-C-U-L-O-U-S. Ridiculous. Ridiculous matlab hasyaspad. You are talking ridiculous. तुम हास्यास्पद बात कर रहे हो. इस कहानी में रेडिकुलस कहाँ आता है ये शब्द? ग्रैंडसन कहता है कि जब ग्रैंड मदर को लोग प्रेटी कहते थे ग्रैंड मदर के बारे में, तो मुझे हंसी आती थी, हास्यास्पद लगता था. मैंने बताया ना कि वो ग्रैंडसन मानता है कि मेरी माँ सुंदर थी, मेरी दादी माँ सुंदर थी, लेकिन आकर्षक थी ये मुझे नहीं लगता, हास्यास्पद लगता है. सो इट लुक्स रिडिकुलस. योर बिहेवियर लुक्स रिडिकुलस. तुम्हारा जो व्यवहार है बड़ा हास्यास्पद है. सो रिडिकुलस मीन्स हास्यास्पद, और टू रिडिक्यूल मतलब हंसी उड़ाना. ही इज इन द हैबिट ऑफ रिडिक्यूलिंग मी. यू आर इन द हैबिट ऑफ रिडिक्यूलिंग मी. तुम में मेरी हंसी उड़ाने की आदत है. सो टू रेडिक्यूल हंसी. नेक्स्ट वर्ड इज फेबल. फेबल मतलब FABLE, पुरानी कहानी. द ग्रैंडसन सेज दैट हिज ग्रैंड मदर वुड टेल हिम फेबल्स. फेबल्स फ्रॉम ओल्ड टाइम्स. फेबल बाय प्रॉफिट. PROPHET. You remember? Prophet मतलब पैगंबर. तो पैगंबर की जो पुरानी कहानियाँ थी वो मदर सुनाती थी. So fable means old stories. Thereafter, next word is hobble about. H-O-B-B-L-E, hobble about. Hobble about मतलब लंगड़ा के चलना, डगमगाते हुए चलना, एक स्थाई नहीं चलना. और वो लंगड़ाना डगमगाना क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रैंड मदर के जो पाँव की ताकत है वो कमज़ोर हो गई है, वृद्ध हो गई हैं. सो शी वुड हॉबल अबाउट. सो टू हॉबल अबाउट मीन्स टू वॉक हियर देयर विदाउट कंट्रोल, विथ नो कंट्रोल ऑन योर लेग्स. ही इज हॉबलिंग अबाउट, वॉकिंग हियर देयर लाइक ग्रैंड मदर यूज टू डू. So that's called hobbling. Next is to stoop. S-T-O-O-P. Stoop मतलब झुकना, झुका हुआ, ऐसा झुक जाना, bend हो जाना. So don't stoop so low. इतना मत झुको यार. Don't stoop so low that you should look cheap. कि तुम सस्ते दिखो. ये stoop का एक meaning है. इतना मत झुको. Don't stoop so low. इस कहानी में stoop के लिए किसके लिए use किया है? Grandmother के लिए. That grandmother used to stoop, hobble about with bead in hand and one arm on resting on her waist. एक हाथ कमर में होती थी, एक हाथ में माला रहती थी, और डगमगाते हुए वो चलती थी. So that is called hobbling about and stoop. Next is pale. पेल मने उदास. P-A-L-E, पेल. स्पेलिंग देख लें. P-A-L-E, पेल यानि उदास, मुरझा हुआ, उतरा हुआ. योर फेस इज लुकिंग पेल. द फ्लावर कलर्स आर लुकिंग पेल. बहुत पुराना, उतरा हुआ, मुरझाया हुआ, सूखा हुआ. दैट इज कॉल्ड पेल. ग्रैंड मदर वुड लुक pale because of age. Next, inaudible. I-N
AUDIBLE इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। इसका जिक्र कहाँ आया है? इसका जिक्र कहाँ आया है इनऑडिबल का जिक्र? ग्रैंड मदर यूज टू से समथिंग एज हर लिप मूवमेंट वुड शो। उनके जीभ के, उनके होंठ के मूवमेंट से लगता था कि माँ कुछ बोलती रहती हैं। मेरी दादी माँ कहानी शायद प्रार्थना बोलती रहती हैं। आवाज़ तो मुझे आती थी, ग्रैंडसन कह रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता था क्या बोलती हैं और ना मैंने समझने की कोशिश भी की। सो शी वुड से समथिंग विच वॉज इनऑडिबल, समझ में नहीं आता था। इनऑडिबल मतलब सुनाई ना देना, ऑडिबल मतलब सुनाई देना। इन लग जाने से विरोधार्थी हो गया, द साउंड इज ऑडिबल। हाँ, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। रेडियो की आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाओ, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि यह मुझे इनऑडिबल है, इसकी आवाज़ अभी इनऑडिबल है। सो इनऑडिबल मीन्स समथिंग दैट यू कैनॉट हियर। सो मदर, ग्रैंड मदर्स वॉइस वॉज इनऑडिबल टू द ग्रैंड सन बिकॉज शी वुड मर्मर समथिंग, शी वुड से समथिंग प्रेयर दैट आई कुड नॉट मेक आउट, राइट। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय हार्ट, लर्निंग बाय हार्ट या नो बाय हार्ट, HEART, हार्ट। किसी चीज़ को कंठस्थ कर लेना दिल से, मतलब कंठस्थ करना, अच्छी तरह समझ लेना, यानी नो बाय हार्ट। सो अच्छी तरह कंठस्थ करना, मुखाग्र कंठस्थ कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, उसको क्या कहते हैं? आई हैव नॉट बीन एबल टू लर्न दिस पोयम बाय हार्ट, मैं इस कविता को अभी तक अच्छे से कंठस्थ नहीं कर पाया हूँ। आई हैव लर्न द एंटायर हनुमान चालीसा बाय हार्ट, आई हैव लर्न दिस पोयम बाय हार्ट, आई हैव लर्न दिस स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए मदर बाय हार्ट, मतलब मैं शब्द ब शब्द ये कहानी सुना सकता हूँ। उसे कहते हैं लर्न बाय हार्ट, जैसा है वैसा ही सुना देना, वैसा ही याद कर लेना, उसे लर्न बाय हार्ट कहते हैं। सो आई हैव लर्नड इट बाय हार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अर्दर्न, ERTHERN, अर्दर्न मतलब मिट्टी का बना हुआ, अर्थ ERTH, अर्थ यानी मिट्टी, पृथ्वी, उसी से बना है शब्द अर्दर्न। अर्दन पॉट, मिट्टी का बर्तन, अर्दन घड़ा, मिट्टी का घड़ा, अर्दन इंक पॉट, द ग्रैंड मदर यूज टू ब्रिंग एन अर्दन इंक पॉट विथ ए रेड इंक पेन एंड वुड गिव इट टू द ग्रैंड सन। एंड दैट अर्दन इंक पॉट मतलब मिट्टी की बनी हुई दावत जिसमें स्याही रहती थी, राइट। सो अर्दन इज अ वर्ड फ्रॉम अर्थ। नेक्स्ट इज स्टेल, स्टेल का उपयोग कहाँ हुआ है इस कहानी में? ग्रैंड मदर यूज टू गिव स्टेल चपाती टू ग्रैंड सन इन ब्रेकफास्ट, यू रिमेंबर, स्टेल चपाती, बासी रोटी ग्रैंड मदर देती थी अपने बेटे को नाश्ते में, वही नाश्ता था उनका, वही उनकी आदत थी। पहले बासी रोटी का अर्थ मतलब पिछले दिन की बनी हुई रोटी, उसमें हल्का मक्खन लगा देती थी और थोड़ा सा शक्कर गिरा देती थी और उसके बाद उसको बेटे को देती थी, और यही स्टेल रोटी और बची हुई वो कुत्तों को खिलाती थी। तो स्टेल माने बासी पुराना। इसका दूसरा अर्थ देखिए, स्टेल न्यूज़, अरे ये खबर पुरानी है, इट्स अ स्टेल न्यूज़, अरे ये कहानी पुरानी है, दिस इज अ स्टेल स्टोरी, नई नहीं है। तो इट्स अ स्टेल चपाती, द फूड इज स्टेल, द वेजिटेबल इज स्टेल एंड सो ऑन, राइट।
STALE. Next word is scripture, SCRIPTURE. स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक पुस्तक, याद रखेंगे स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक पुस्तक, गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और ऐसी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, पुराण आदि आदि, उपनिषद, वेद, ये सब क्या कहलाते हैं? स्क्रिप्चर, धार्मिक पुस्तकें. Disgraceful, DISGRACEFUL. Disgraceful, अशोभनीय. Your behavior is disgraceful. तुम्हारा व्यवहार अशोभनीय है. This, his lecture is disgraceful. उसका जो भाषण है, उसकी जो लेक्चर है, वह डिसग्रेसफुल है, अशोभनीय. तो याद रखेंगे डिसग्रेसफुल मीन्स अशोभनीय. नेक्स्ट वर्ड कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड क्या है? आंगन. हमारे आपके सभी के घरों में आंगन होता है. वी ऑल हैव एन आंगन इन आवर हाउसेस. एन आंगन इज व्हाट? एन ए प्लेस इनसाइड द हाउस विद ओपन टू द स्काई. घर के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ आकाश से खुला हो, तेज धूप आ सकती हो, बरसात का पानी गिर सकता हो, ऐसी जगह को आंगन बोलते हैं. तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं कोर्ट यार्ड. सो व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोर्ट यार्ड हियर? द ग्रैंड मदर यूज टू सिट इन द कोर्ट यार्ड इन द आफ्टरनून. फॉर व्हाट? For feeding the sparrows. The grandmother used to spend her time in the courtyard in the afternoon. She would sit down with crumbs of bread. The sparrows would come. They will sit on her legs, on shoulders, on head and what not. You remember? That was in the courtyard. ये courtyard में होता है. तो courtyard माने आंगन. नेक्स्ट इज डिसअप्रूवल, असहमति. इस काम के लिए मेरी असहमति है. देयर इज माय डिसअप्रूवल फॉर दिस वर्क. डिसअप्रूवल मतलब सहमति, और DIS डिस लगने से डिसअप्रूवल हो जाता है, उल्टा हो जाता. बहुत जगह अंग्रेजी में DIS लगने से शब्द का उल्टा मीनिंग हो जाता. तो यहाँ एक शब्द है आपके सामने डिसअप्रूवल. ऐसे और चार पांच शब्द आप देखें कौन से हैं जो डिस से स्टार्ट होते हैं और मूल शब्द का विरोधी अर्थ बताते हैं. द नेक्स्ट वर्ड टू ऐड टू अवर वोकैबुलरी किटी इज सेक्लूजन, SECLUSION. सेक्लूजन यानि मीन्स एकांतवास, लोनलीनेस. इफ यू रिमेंबर ग्रैंड मदर लिव्ड इन सेक्लूजन व्हेन द ग्रैंड सन वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड हैड टू स्टे देयर इन ए रूम. माँ एकांतवास में आ गई थी, दादी माँ, जब ग्रैंड सन यूनिवर्सिटी के एक कमरे में जाके पढ़ने लगा था, वहाँ उसे जाके रहना पड़ा था. सो सेक्लूजन मीन्स एकांतवास, अकेलापन, अलग हो जाना. द नेक्स्ट वर्ड इज बेडलाम, BEDLAM. बेडलाम यानी शोर शराबा, अव्यवस्था, डिसऑर्डर. देयर वॉज बेडलाम देयर ऑन द ग्राउंड. वो मैदान में बड़ा शोर शराबा. There was a bedlam in the hall. Bedlam always is very noisy. बहुत हल्ला होता है बेडलाम में, जैसा कि शब्द से ही लग रहा है बेडलाम. So it means शोर शराबा. यहाँ बेडलाम का जिक्र कहाँ है?
Where is the use of word bedlam in the story? Okay, I leave it to you. You find out, search for this word in the story and find out where that word has been used by the writer. Okay, the next word that we have is cherish. C-H-E-R-I-S-H. Cherish means to cherish, it's a verb. To cherish means कदर करना, किसी चीज की कदर करना. I cherish the memory of meeting you 2 years back. आपसे 2 साल बाद पहले जो मुलाकात हुई थी, मैं उस मुलाकात को चेरिश करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, याद करता हूँ. मेरा एक बड़ा अच्छा अनुभव उसे मानता हूँ. चेरिश करना मतलब अच्छा मानते हुए याद करना, उसे रखना, संजोए रखना. आई चेरिश दैट मोमेंट व्हेन आई वाज कॉल्ड टू द स्टेज फॉर ए प्राइज. आई चेरिश द मोमेंट व्हेन आई वाज कॉल्ड टू द स्टेज फॉर ए प्राइज. मैं उस क्षण को अपने में संजोए रखता हूँ जब मुझे प्राइज लेने के लिए मंच पर बुलाया गया था. आई चेरिश दैट मोमेंट. मोमेंट माने क्षण, मूवमेंट नहीं, मोमेंट यानी क्षण. आई चेरिश दैट ओकेजन व्हेन आई वाज कॉल्ड टू द स्टेज टू रिसीव द टॉपर्स प्राइज फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़. आई चेरिश दैट ओकेजन. उस क्षण को, उस अवसर को मैं संजो के रखता हूँ. आई चेरिश. तो आई थिंक आई वेरी क्लियर, यू हैव अंडरस्टूड. इस कहानी में कौन क्या चेरिश कर रहा था? इफ यू रिमेंबर, ग्रैंड मदर हैड गिवन ए किस टू द ग्रैंड सन व्हेन ही लेफ्ट फॉर अब्रॉड. एट द रेलवे स्टेशन ग्रैंड मदर हैड किस्ड हिम ऑन हिज फोरहेड एंड grandson had his hand on the forehead and he felt some moist. Moist is the next word. M-O-I-S-T. Moist yani nami. Kuch geelapan. Wo nami aur geelapan forehead mein kyon tha? Because the grandmother had kissed him with her lips. Honthon se usne apne grandson ke mathe ko pyar kiya tha, kiss kiya tha, chuma tha. तो जो वहाँ पे गीलापन था, उस गीलेपन को मैं चेरिश करता हूँ, उस क्षण को. क्योंकि दैट ऐसा लगा मानो वह, क्यों चेरिश करता हूँ, क्यों चेरिश किया. वाई डिड आई चेरिश दैट मोमेंट, वाई डिड आई चेरिश दैट पर्टिकुलर फीलिंग. उस अनुभव को मैंने संजो के रखा. वाई डिड आई चेरिश दैट फीलिंग, बिकॉज आई फेल्ट प्रॉब्ली दैट विल बी द लास्ट टाइम of my physical contact with my grandmother. अपनी grandma के शारीरिक टच की अनुभूति का ये शायद अंतिम मौका है, ऐसा मुझे लगा. ऐसा grandson कहता है. The grandson says that I felt probably this will be the last time that I'll have physical contact with my mother. Maybe because when I come back, she may not be around, she may not be alive and what not. And so I cherish that moist, that cherish that feeling which was there on my forehead when she kissed my forehead. Forehead yani matha, moist yani nami, and cherish means sanjo kar rakhna, kadar karna. The next word is clasp, C-L-A-S-P. Clasp matlab jakad ke pakadna. किसने किसको जकड़ के पकड़ा? Who clasped whom? Who clasped whom? When the grandson comes back from abroad, gets down from the train at the railway station, grandmother clasped him, hugged him tightly. To hug tightly, that is called clasping. Right? So he clasped him. She clasped him. Usne hug kiya. Next word is rebuke. To rebuke matlab jhidki dena.
ये झिड़की भी कहाँ आई है? Who gave a rebuke to whom? किसने किसको झिड़की दी, कब दी? ऐसी तो कोई घटना याद आ रही है? Do you remember something in the story? Well, grandmother would only rebuke the bird, the sparrows that would come around when she was in seclusion, when the grandson had gone abroad, and when this old lady would sit in the veranda for longer hours, feeding these birds. तो कभी कभी ये चिड़ियों को झिड़क देती थी. She would rebuke. She would shoo them away. SHOO, shoo them away. उनको भगाती थी. This is what is called shooing away. So she would shoo them away, rebuke them, झिड़की दे देती थी. So to rebuke means झिड़कना. Don't rebuke him. Don't rebuke a child. It is never good to rebuke anyone. Better explain him. उसको समझा दो बजाय झड़कने के. So rebuke is not a good thing as such. We should not rebuke. Right? Next word. Dilapidated. A rather difficult word. थोड़ा कठिन शब्द है और इसका थोड़ा कम उपयोग होता है, लेकिन इस कहानी में इसका उपयोग हुआ है. बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है इस कहानी में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस स्टोरी. Where did this word come? Dilapidated. This word comes in context with the drum that grandmother brought from somewhere to play the previous night before her death. अपनी मृत्यु के पहली शाम को उसने ड्रम मंगवाया था, महिलाओं को बुलवाया था और ड्रम को बजाया था. The drum that she arranged for herself was dilapidated. The skin of the drum was dilapidated. Skin मतलब ड्रम की जो चमड़ी थी, दोनों तरफ जो चमड़े लगते हैं, वे जीर्ण शीर्ण हो गए थे. तो dilapidated मतलब जीर्ण शीर्ण. You look dilapidated. Why? I found my father looking dilapidated one day. I asked him, why you are looking so bad? Dilapidated मतलब जीर्ण शीर्ण दिखना. So the drum was dilapidated. Remember? Right. The next word is persuade. To persuade means manana. In this story, a parent and the grandson were persuading the old lady to stop singing song. So many hours had gone, she was singing. She was busy, prayers, playing drum. So they were persuading her and telling her, don't strain yourself. अपने को इतना मत थकाओ. उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि उसको बंद करो, गाना बजाना बंद करो दादी माँ, अब थक जाओगे. You will be tired दादी माँ, stop this. Grandson was persuading his grandmother. Right? Next word is to protest, विरोध करना. But the grandmother protested. Grandmother, she did not listen to them. She just protested. So, to protest matlab virodh karna. Right? Next word is to ignore. The grandmother protested and ignored the advice of grandson. Grandmother ne विरोध ही नहीं किया बल्कि अनदेखा भी कर दिया. इग्नोर करना यानी अनदेखा. टू इग्नोर मतलब अनदेखा करना. टू इग्नोर मतलब परवाह ना करना. आई डोंट केयर फॉर यू, आई इग्नोर्ड यू. मैंने तुम्हारी बात को इग्नोर कर दिया. मैंने उस आदमी के द्वारा कुछ गलत बात कही गई थी, उसे इग्नोर कर दिया. I have ignored all that he said.
मैंने उसे अनदेखा कर दिया, उसकी परवाह नहीं की. सो टू इग्नोर मीन्स परवाह ना करना. वी मस्ट इग्नोर ऑल दैट इज बैड. जो कुछ भी बुरा है हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए. वी मस्ट इग्नोर ऑल दैट इज बैड. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज कस्टमरी. सी यू एस टी ओ एम ए आर वाई. कस्टम माने रिवाज. मेरे घर में एक कस्टम है कि घर में घुसने के पहले जूता उतार देना चाहिए. देर इज ए कस्टम इन माई हाउस दैट आई मस्ट टेक आउट माई शूज बिफोर एंटरिंग माई हाउस. मेरे घर में कस्टम है कि घर में घुसने के पहले जूते उतार देना चाहिए. तो उसको अंग्रेजी में आई हैव ए कस्टम इन माई हाउस दैट वी मस्ट टेक आउट अवर शूज. अब कस्टमरी का अर्थ क्या? कस्टमरी मतलब रिवाज के अनुसार. इट इज़ कस्टमरी इन माई हाउस टू टेक आउट द शूज. मेरे घर में रिवाज के अनुसार हम जूता उतार देते हैं. सो कस्टम माने रीति रिवाज और कस्टमरी मतलब रीति रिवाज के अनुसार. वॉट इज रीति रिवाज के अनुसार इन दिस स्टोरी? वॉट इज कस्टमरी इन दिस स्टोरी? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. द कस्टमरी वॉज दैट मदर्स ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज कवर्ड विथ रेड क्लॉथ श्राउड. एस एच आर ओ यू डी. श्राउड माने कफन. ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज कवर्ड विथ रेड क्लॉथ बिकॉज इट इज कस्टमरी. एंड हर बॉडी ले ऑन ए स्ट्रेचर. एक रॉ लकड़ी का बना हुआ जो स्ट्रेचर जैसा था उसमें उनकी बॉडी को लिटा दिया था और कफन से ढक दिया था. इट वॉज रॉ. सो वी हैव श्राउड मीन्स कफन. एस एच आर ओ यू डी. श्राउड कफन मतलब जिससे डेड बॉडी को ढका जाता है. सामान्यतः वो लाल रंग का होता है. सो कस्टमरी श्राउड. एंड नेक्स्ट इज फ्यूनरल. फ्यूनरल मतलब दाह संस्कार. हिज बॉडी इज बीइंग टेकन फॉर फ्यूनरल. उसका शरीर दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. द फ्यूनरल विल टेक प्लेस एट 2 PM. फ्यूनरल 2 बजे होगा यानी दाह संस्कार 2 बजे होगा. इन अवर हिंदू सिस्टम फ्यूनरल इज डन वाइल इन इस्लाम बरियल इज डन. बरियल माने दफनाना. फ्यूनरल मतलब दाह संस्कार. एम आई क्लियर? एफ यू एन ई आर ए एल. फ्यूनरल दाह संस्कार. और बरियल बी यू आर आई ए एल. बरियल माने दफनाना. शरीर को दफनाना, कब्र बनाना. एंड लास्ट वर्ड फॉर द डे फॉर दिस चैप्टर दैट यू शुड नो इज क्रिमेट. टू क्रिमेट मतलब शरीर को जलाना. रिमेंबर फ्यूनरल मतलब दाह संस्कार. नाउन है, संज्ञा है. क्रिमेट मतलब जलाना यानी दाह संस्कार करना. उसको कहते हैं क्रिमेट. मिस्टर सो एंड सो हैज डाइड. वी विल क्रिमेट हिम टुमारो एट 10 AM. मिस्टर फलां फलां की मृत्यु हो गई है. हम उनको कल उनका दाह संस्कार कल 10 बजे करेंगे. मिस्टर एक्स हैज डाइड. वी विल क्रिमेट हिम टुमारो एट 10 AM. राइट. सो टू क्रिमेट मतलब दाह संस्कार करना और फ्यूनरल मतलब दाह संस्कार. एम आई राइट? सो विद दिस द होल स्टोरी, beautiful story titled The Portrait of a Lady by Khushwant Singh comes to an end. I hope you have understood many things out of this story. Not only new words, new syntax, sentence formation, but also some values, moral values. Kuch neeti bhi sikhi hogi, kuch naitik baatein bhi aapne sikhi hongi. For example, the relation between grandson and grandmother. बहुत अच्छा relation इसमें बताया गया है.
और इसका विवरण. यू मस्ट हैव ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग सो ब्यूटिफुली. आपने ये भी सीखा होगा कितने सुंदरता से लिखा जा सकता है, कितना सुंदर चित्रण किया जा सकता है. यू मस्ट हैव लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली एंड यू हैव लर्न इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट कैन मेक योर राइटिंग ब्यूटिफुल. अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, द मॉरल वैल्यू, द वर्ड एंड सो ऑन, you have also learned something about one of the most eminent writers, Khushwant Singh. So with this chapter comes to an end.